सरकार राशन की बिक्री में हो रही धांधली को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन राशन विक्रेता हैं कि एक न एक जुगाड़ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। कोई दुकान नहीं खोलता तो कोई करता है घरतोली, तो कोई तो पब्लिक का पूरा माल ही ब्लैक में बेच डालता है। ये ताजा मामला है राया कस्बे के व्यापारी मोहल्ले का, जहां बदरुद्दीन के नाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, जो पूरे माह में सिर्फ एक या दो ही दिन खुलकर रह जाती है, जिसका मुख्य कारण बताया गया है कि बदरुद्दीन आँखों से और शरीर से कमजोर है, जो कभी आता है तो कभी नहीं आता। उसकी राशन की दुकान को उसका भतीजा देखता है, जो अपना अधिकतर समय अपने पेशे में देता है, जिसकी वजह से दुकान को समय पर नहीं खुलता, जिससे उपभोक्ताओं में खासा रोष व्याप्त है। व्यापारी मोहल्ले के उपभोक्ताओं ने मंगलवार को जब राशन सामग्री नहीं बटी तो लोगों ने राशन डीलर के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि राशन डीलर की कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे डीलर और उसके भतीजे के हौसले बुलंद हैं। वहीं मौके पर एकत्र जनता ने जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्र से राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तीन महीने और पर्ची काट गया और मतलब अपने पास ही पर्ची ले गया। ईमानदारी राशन अभी तक न दिया, तीन चार महीने से परेशान पब्लिक। नालेरा का ये समय आऊंगा बिल्कुल नहीं आता है। तो इस पे क्या राशन पे क्या माल चढ़ा दिया गया, क्या करते हैं? राशन पे माल चढ़ा दिया और माल अभी तक न दिया, और जब भी कहते हैं कह देते हैं तुम चिंता मत करो। मथुरा के रहने वाले ही थी, रहने वाला मथुरा का है, कौन चार महीना हो गया राशन बिल्कुल नहीं दे रहा, और कह रहा है क्या मैं नमाज पढ़ जाऊँ, 4 बजे दूंगा या 2 बजे दूंगा, और सुई बंद करके भाग जाता है। कौन डीलर है तुम्हारा, कहाँ बांटता है? बदरुद्दीन पैसे ले गया, 3 महीना हो गया पैसे लिए। कितने 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 पैसे ले गया तुमसे? 75 रुपए, 30 किलो राशन दे रहे। अब यूँ कह रहे हैं, यूँ कह कट के आ रहा या एक ही नोट का या दो ही नोट का, ये बदमाशी दे रहा। पैसे ले गया और राशन नहीं दिया अभी तक, ले लिया पर्ची कट गई। तो अब जो दुकान पे आए तो उनसे बातचीत हुई नहीं हुई? कहाँ हुई, ले गए जो कोई ले गया ना, बिलो ले गए, गरीब रह गए खड़े। और तो सब निकल, तो कितने बजे दुकान खोली थी और कितने बजे बंद कर दी इसने? 1-2 बजे खुल गया दुकान। और कितने बजे बंद कर गया? भग गया 3 बजे तो भग गया, ऐसे ही करता है, 1 घंटे दुकान खोलता है, ऐसे ही करता है, गमला हुआ जो भगा। अच्छा, ये मशीन डीलर के पास रहती है या मेंबर के पास रहती है मशीन? ये मशीन तो डीलर के पास रहती है, डीलरों का मेंबरों का कनेक्शन चल रहा है खूब जोक से, और ये 20 आदमियों बट रहा है और 5 डीलर। कौन सा मेंबर है सर, नाम बोलो मेंबर का। मेंबर का भाई सलाम के नाम पे बटे मशीन अंगूठा लगाया। मेंबर का नाम क्या है? नाम तो छोटे मुख पता है, नाम आज मोहम्मद। सलाम के घर पर, किसके घर पर लगे अंगूठे? ये चक्की पे, चक्की पे है, गैस की चक्की पे, ये पक्की मालूम है आपको? तुमसे कब राशन बांटने की कही? तुमसे कब लगवाए गए थे अंगूठे? आराम आराम बताओ। 7 तारीख से हमसे कह के गया, 5 तारीख से बोले गया अंगूठे पल्ले मोहल्ले के। अच्छा, 5 तारीख को ये अंगूठे लगवा लिए मोहल्ले के लिए, पठान पाड़े के और सुल्तानगंज के। क्या तुमको राशन नहीं मिला अभी तक? ना, हमें ना मिला कि 2 महीने से हम परेशान हैं। क्या क्या कह रहे हैं इनसे बात की डीलर से? क्या कह रहा है क्या कहता है वो बता देता है? ये क्या यहाँ आए हम दुकान बंद करके? अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं।